Hello student, let us see the question. The ionization energy of electron in hydrogen atom in its ground state is 13.6 electron volt. The atoms are excited to higher energy levels to emit radiations of 6 wavelengths. Maximum wavelength of the emitted radiation corresponds to the transition between n equals to 3 to n equals to 2, n equals to 3 to n equals to 1, n equals to 2 to n equals to 2, n equals to 4 to n equals to 3. देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है तो उसमें जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके जस्ट बाद है ना, ये हो गई n = 1, उसके जस्ट है बाद n = 2 और इसकी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके जस्ट ऊपर वाली जो एनर्जी होती है वो है n = 3 और वो होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके जस्ट ऊपर जो एनर्जी है n = 4 वाली वो है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हमें निकालनी है कि भाई किसमें मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ के करस्पोंडिंग एनर्जी क्या होगी मिनिमम। तो हम देख रहे हैं जैसा कि इस डायग्राम में जो 4 से जो 2 पर ट्रांजिशन है, 4 से 2 पर है ना, 4 से 3 का जो ट्रांजिशन है इसकी एनर्जी सबसे कम है तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, बेस्ट ऑफ लक।